जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का 24 अवतार मंदिर के फाइनल व्लॉग में स्वागत है। हमारे आज के व्लॉग की शुरुआत होती है भगवान विष्णु के दर्शन के साथ। हम भगवान विष्णु के 24 अवतार के दर्शन कर रहे थे, जिसमें से हमने 12 अवतारों के दर्शन कर लिए थे। और वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम भगवान के बाकी बचे हुए 12 अवतारों के दर्शन करेंगे। कोई भाग्यशाली ही होगा जो भगवान के 24 अवतारों के दर्शन कर पाएगा। अवतारों की शुरुआत होती है कल के अवतार से। कहा जाता है कि भगवान इस अवतार में घोड़े पर बैठ कर आएंगे कलयुग का विनाश करने। कहा जाता है कि भगवान ने अभी तक ये अवतार लिया नहीं है, लेकिन जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा भगवान ये अवतार लेकर आएंगे और कलयुग का विनाश करेंगे। अब चले आते हैं हम भगवान के दूसरे अवतार के दर्शन करने। तो यहाँ पर आप भगवान के दर्शन कर लीजिए। ये भगवान का बुद्ध अवतार का रूप है। इस अवतार में भगवान अपने ज्ञान से मानव जीवन का कल्याण करते हैं। फिर चले आते हैं हम भगवान के अगले अवतार के दर्शन करने के लिए। भगवान विष्णु का अगला अवतार है श्री 12। इस अवतार में भगवान 12 के रूप में आते हैं और पृथ्वी को अपने सिंगों पर उठाकर उसका कल्याण करते हैं। फिर हम चले आते हैं भगवान विष्णु के अगले अवतार के दर्शन करने के लिए। भगवान विष्णु का अगला अवतार है श्री हयग्रीव, जिनके दर्शन आप यहां पर अभी कर सकते हैं। भगवान के अवतार के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं अगले अवतार को देखने के लिए। भगवान के अगले अवतार से तो आप सभी वैसे ही परिचित होंगे। ये अवतार काफी पूजनीय है और इसके मंदिर आपको हर जगह मिल ही जाएंगे। भगवान विष्णु का अगला अवतार है श्री कृष्ण, यहाँ पर आप श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी जानते ही है कि श्री विष्णु भगवान के दो अवतार काफी प्रसिद्ध है। पहला है कि राम जी का और दूसरा है कृष्ण भगवान का। हमने कृष्ण भगवान के तो दर्शन कर लिए है, तो अब हम चलते हैं राम भगवान के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आप सियाराम के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको राम भगवान के साथ में लक्ष्मण भगवान, सीता माता और हनुमान जी की भी मूर्तियाँ देखने को मिल जाएगी। उनके दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं भगवान विष्णु के अगले अवतार के दर्शन करने के लिए। भगवान विष्णु का अगला अवतार है श्री हंसा, इनके भी दर्शन आप यहाँ पर कर लीजिए। फिर हम निकल जाते हैं भगवान विष्णु के अगले अवतार के दर्शन करने के लिए, इनके भी दर्शन आप यहाँ पर कर लीजिए। भगवान विष्णु का अगला अवतार है श्री व्यास। श्री व्यास के रूप में अवतार लेकर श्री भगवान विष्णु अपने ज्ञान से दुनिया को प्रकाशमान करते हैं। व्यास जी के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं भगवान के अगले रूप के दर्शन करने के लिए। जिस प्रकार भगवान विष्णु का राम अवतार काफी प्रसिद्ध है, उसी प्रकार भगवान विष्णु का परशुराम अवतार भी काफी माननीय है। तो यहाँ पर आप भगवान विष्णु के परशुराम अवतार के दर्शन कर लीजिए। भगवान विष्णु के अवतार के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं उनके अगले अवतार के दर्शन करने के लिए। कि अगले अवतार के बारे में तो आपने सुना ही होगा। भगवान विष्णु का अगला अवतार है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में आकर भगवान विष्णु ने प्रहलाद की जान बचाई थी हिरण्यकश्यप से। यहाँ पर आप भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के दर्शन कर लीजिए। नरसिंह अवतार के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं भगवान विष्णु के अगले अवतार के दर्शन करने के लिए। भगवान विष्णु उनका अगला अवतार श्री मुनि के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर हमने भगवान विष्णु के 24 अवतारों के दर्शन कर लिए है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम वहाँ पर निकलते हैं तो हमें शिव भोले मिल जाते हैं। तो हम भगवान शिव भोले के भी दर्शन कर उनके चरण निष्पर्श कर लेते हैं और फिर हम मंदिर से बाहर आ जाते हैं। मंदिर के बाहर का मौसम दोस्तों काफी शानदार हो रहा था और मंदिर के चारों तरफ यहाँ पर अलग अलग सामान की दुकानें लगी हुई थी। चारों तरफ का दृश्य ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई मेला लगा हो। मेले से घूमते हुए हम आ जाते हैं वहाँ के गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हम आ चुके हैं गुरुदेव के मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए। यह मंदिर 24 अवतार मंदिर से कुछ दूरी पर है। यह मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि 24 अवतार मंदिर की नींव इन्हीं गुरुजी ने रखी थी। हम यहाँ गुरुदेव के दर्शन कर उनका आशीर्वाद यहाँ पर ले लेते हैं। इस मंदिर से 24 अवतार मंदिर का दृश्य आपको साफ साफ दिख जाएगा। तो दोस्तों आज के व्लॉग की समाप्ति हम इसी के साथ में करते हैं और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई जगह के साथ में। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।